हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। और मैं हूँ प्रिया, वेलकम है आपका नए ब्लॉग में मेरे। और आज है 18 तारीख 18 मई और सुबह के हो रहा है 11:30। मैंने सुबह का खाना जो बनाना था लंच में सारा प्रिपेयर कर दिया है। और आज है 18 मई, तो आज मेरे भाई का बर्थडे है, मतलब मेरे से बाद जो मेरा भाई है उसका बर्थडे है आज। तो आज और मेरे वहाँ जो है कोरोना के 15 मरीज पाए गए हैं, पर 15 पॉजिटिव केस आए हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब लॉकडाउन जो है वो बहुत सावधानी से लोग रह रहे हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि जहाँ एक भी पेशेंट नहीं थे वहाँ 14-15 पेशेंट मिल गए, वो भी पॉजिटिव। तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन बर्थडे है और थोड़ी दूर पर मार्केट है, तो देखते हैं कुछ मीठा मिलता है या नहीं। और मीठा बनाने का प्लान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीठा बनाने के लिए हमको सामान चाहिए वो घर में अवेलेबल नहीं है। तो अभी थोड़े दूर पे ही मार्केट है, तो वहाँ जाएंगे मेरे दादाजी, मार्केट से अगर मीठा मिलेगा तो लाएंगे, जो भी होगा शेयर करेंगे आपके साथ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, वैसे रहो, सेफ रहो, घरों में रहो, क्योंकि बहुत डर लग रहा है अब। क्योंकि गाँव में जो शहरों से लोग आ रहे हैं, जो स्टे कर रहे हैं स्कूलों में, तो उनमें से कई पॉजिटिव केस आ रहे हैं, और वो केस मतलब बढ़ बाद एक पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो बहुत डर सा लग रहा है। तो आज है बर्थडे, और लॉकडाउन में तो मेरे घर में 3-3 लोगों का बर्थडे हो गया, तो समझ नहीं आ रहा है कि सारे पूरे घर का बर्थडे इसी लॉकडाउन में आएगा क्या। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम जो है बढ़ते जा रहा है। अभी 30 मई 31 मई तक हो गया है, तो बहुत केयरफुल रहना है हम सभी को। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को इतने कम समय में इतना प्यार सम्मान, मतलब इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिल से, तो ही आप लोग मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे जा सकती हूँ, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स आप लोगों को। तो जो भी बर्थडे में होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है दिन भर में। अभी मेरा भाई जो है मंदिर गया था, मंदिर से पूजा करके आ गया घर पर। अभी शाम के क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा भाई है जो, उसका बर्थडे है, उसे दिखाऊंगी, और जो भी बनेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो थैंक यू, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। सो गाइज, अभी हो गया शाम के 4:30, और दोपहर का लंच दो जो था सब लोगों ने कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने किया था आराम। और पता ही है हर जगह गर्मी इतनी बढ़ गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और हमारे वहाँ तो लाइटें इतनी कट रही हैं कि कुछ कहना इम्पॉसिबल है। पूरे दिन लाइट नहीं था, अभी 3 बजे लाइट आया है, और लाइट आने के बाद तो थोड़ा सा रिलीफ मिला, और हवा का तो नामो निशान नहीं है। तो अभी 4:30 हो गया, और हमें बनाना है 14 से 15 लोग का खाना। तो मैं अभी डिनर का जो प्रिपरेशन है अभी करना स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले मैंने बोला था कि मैं अपने भाई से आप लोग को मिलवाऊँगी, तो मेरा भाई यहाँ आया है, मैं उसको बुलाती हूँ। हाय। तो ये है मेरा भाई जिसका बर्थडे है आज। मेरे से कम 4-5 साल छोटा है, लेकिन लंबाई में आप देख सकते हो कितना बड़ा है मेरे से। और ये गया था मंदिर, आज शिव मंदिर। तो ये है, इसका बर्थडे है। तो अगर मैंने बोला कि पूड़ियाँ नहीं बनेंगी, बट कहीं कहता कि सबके बर्थडे में दीदी बनाती हैं, मेरे बर्थडे में नहीं बनाएंगी, तो मैं बनाऊँगी पनीर, पूड़ी, सलाद और पापड़ और क्या बोलते हैं पुलाव बनाऊंगी। तो इन सब की तैयारियां करनी है, और 14 से 15 लोग का खाना बनाना है तो बहुत लेट होगा। इसके लिए मैंने अभी से कुछ कुछ काम स्टार्ट कर दिया है, ताकि 7, 7:30, 8 बजे तक खाना बन जाए। और बहुत खुश है, इसके लिए 3-3 ड्रेस खरीद के लाए हैं दादाजी। अभी ये टी शर्ट लेके आए क्योंकि गर्मी है, तो अभी ये पहना हुआ है, नया टी शर्ट है अभी आया इसके लिए, यही है। और चलिए अब चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आपको पनीर की रेसिपी। ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। पनीर बनाने के लिए मैंने लिया था प्याज, टमाटर, सूखा हरा मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक जिसको मैंने कूट लिया था, और यहाँ पनीर के मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। और मसालों में मैंने लिया था प्याज, जीरा, मिर्च को पीस लिया था, उसके बाद मैंने डाले थे उसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और पनीर मसाला। और यहाँ कुकर में मैंने ऑयल हीट कर दिया, और इसके बाद इसमें डाला था पंचफोरन, और उसमें डाला मैंने जो भी मैंने कूट के रखा हुआ था अदरक लहसुन का, उसका पेस्ट, मतलब कूच के रखा था, पेस्ट नहीं बनाया था। और उसको सेलो फ्राई होने तक हम पकाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक, जितना हम पूरे पनीर में नमक ऐड होगा उतना ही नमक ऐड कर देंगे। और उसके बाद प्याज गल जाए तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर,
मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि क्लिप छोटा छोटा डिवाइड किया है मैंने, और वॉइस ओवर मैं चाहती नहीं कि कोई क्लिप छूटे। और यहाँ फिर मैंने मसाले ऐड कर लिए, जब टमाटर प्याज पक गए थे तो अच्छे से गल गए थे तो मसालों को ऐड कर लिया है जो मसाले मैंने रखे थे, और इनको अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि मसाले तेल छोड़ ना दें। और इसको पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर, और पनीर को ऐड करने के बाद मैं चला लूँगी। तो पनीर को यहाँ सबसे पहले मैंने रिफाइंड ऑयल हीट करके और इसमें सैलो फ्राई कर लिया, मतलब डीप फ्राई कर लिया, आप चाहे तो सैलो फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पनीर हमारे सारे फ्राई हो गए थे, मैंने बहुत ब्राउन नहीं किया था, बल हल्का सा ही रोस्ट किया था। और इसके बाद यहाँ मसाले हमारे पक गए थे तो इन मसालों में हम पनीर को ऐड कर लेंगे। और सारे पनीर को ऐड करने के बाद, और याद रहे कि नमक हमने पहले डाला है तो मैंने सारे पनीर के लिए नमक एक ही बार डाल दिया था, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। और नमक इसमें ऐड नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा स्लो आंच पे पका लेना है। और पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, पानी उतना ऐड करेंगे जितना हमको ग्रेवी चाहिए, ठीक है, पतला जैसा भी चाहिए वैसे हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको पका लेंगे अच्छे से 15 से 17 मिनट के लिए, और ये पक जाएगा फिर हमारे पनीर तैयार हो जाएगा। और हमें और भी खाना बनाना था, मतलब और भी चीज़ें बनानी थी, तो उसका प्रिपरेशन मैंने पहले से कर लिया था। और यहाँ पनीर हमारा पक गया है, और देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊंगी क्योंकि इसकी ग्रेवी मुझे बहुत पतली सी लग रही है। इसके बाद मैंने डाला इसमें गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद मैंने फिर चला के इसको अच्छे से पका लिया था। और यहाँ जीरा चावल, मतलब पुलाव बनाने के लिए मैंने जीरा को ऐसे ब्राउन होने तक भून लिया था, उसमें डाले थे काजू और तेजपत्ते के कुछ पत्ते। और इसको भुनने के बाद थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल, और चावल को मिला लेंगे और स्लो आंच करके हमको चावल को 1-2 मिनट के लिए भून लेना है भूनने के बाद। और इसमें जितना चावल है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करके कुकर में आप सीटी लगा लेंगे, बहुत इजी होता है। मैंने किसी वीडियो में अपने ये चीज़ शेयर करी हुई थी। और यहाँ भटूरे के लिए मैंने आटा लगा लिया था, और हाँ मैंने बोला था कि पूड़ी पनीर बनेगा लेकिन प्लान बना कि भटूरे बनेंगे, तो मैंने आटा पहले लगा लिया था। और ये भटूरे बहुत फूले फूले से बने हैं, और आप चाहते हैं कि मैं भटूरे की रेसिपी शेयर करूँ तो कमेंट करना कि मैंने कैसे बनाया है इसको, बहुत फूले बने हैं जैसे बनते वैसे। और पूड़ियाँ भी मैंने उसी के साथ ही तल ली थी, ये आटे की सादी वाली पूड़ियाँ हैं। और इसके बाद चावल हमारा रेडी हो गया था, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो चावल हमारा रेडी हो गया था, ऐसे ही बनाया था हमने डिनर। सो गाइस अभी हो गए हैं रात के 9:40-9:45 हो रहे हैं अभी, और सारा खाना बनाने खिलाने खाने के बाद अभी ये हाल है। मतलब गर्मी पूछा नहीं, कहाँ नहीं जा सकता कि गर्मी कितनी तेज़ है और कितनी ज़्यादा गर्मी है। बट लाइट अभी है 3 बजे शाम से ही, बहुत लाइटें कट रही हैं, क्या आपके वहाँ भी कट रही हैं कमेंट करना अगर कट रही हैं तो। और 9:30-10 हो गया है तो अब हम सोएंगे, और बहुत थक गए हैं तो हमको लग रहा है कि 5:30 बजे से हम लोग किचन में थे और दो लोगों ने मिलकर खाना बनाया, और सारा खाना आप लोगों ने देखा ही। और डिनर हो गया रात का भी बहुत जल्दी क्या मतलब हो गया है, और अब सोएंगे, और वीडियो बहुत हो गया लंबा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।